फिर से देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल बन चुका है। तो बड़ी खबर आपके सामने, दर्शकों का भरोसा लगातार न्यूज 18 इंडिया के ऊपर बना हुआ है। ये भरोसा हमारी खबरों के लिए, निष्पक्षता के लिए, और लगातार ये भरोसा लगातार कायम है। तो एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल बन चुका है। हफ्ते दर हफ्ते दर्शकों का भरोसा न्यूज 18 इंडिया पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी की बदौलत एक बार फिर से बादशाहत न्यूज 18 इंडिया ने हासिल की है। और अगली बड़ी खबर दिल्ली के मंगोलपुरी से, जहां पर मीना नाम की एक महिला की हत्या कर उसके शव को कब्रिस्तान में दफनाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रेहान, मोबिन खान, नवीन और सैयद अली बताए जा रहे हैं। ये महिला 2 जनवरी से लापता बताई जा रही थी, जिसकी शिकायत मंगोलपुरी थाने में करवाई गई थी। पुलिस के मुताबिक महिला पेशे से फाइनेंसर थी, रेड़ी पटरी वालों को लोन दिया करती थी, और इस मामले में पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर छानबीन शुरू की। पुलिस ने आरोपी मोबिन और नवीन से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान पता चला कि महिला की हत्या मोबिन के घर पर करने के बाद 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात को उसके शव को नागलोई के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जानकारी में भी पा रही है कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने कब्रिस्तान के केयर टेकर सैयद अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह यह थी कि महिला ब्याज पे पैसे देने का काम करती थी, और रेहड़ी पटरी वाले या 3-व्हीलर ड्राइवर्स, बार्बर्स वगैरह, उनसे लोन लेते रहते थे और वापस करते थे। इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन हो गया था, और महिला नए लोन देने के पहले पुराने लोन वापस करने की बात कह रही थी, जिससे ये परेशान थे और चाह रहे थे कि लोन वापस नहीं करना पड़े। हत्या के बाद इन्होंने पूरे इलाके में रेकी की बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और मोबिन जो नागलोई में रहता था उसको पता था वहाँ एक कब्रिस्तान है जहाँ पे बॉडी को ले जाकर उन्होंने वहाँ पे दफन कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस। दिल्ली के सूचना और प्रचार निदेशालय ने 10 दिन का दिया वक्त सरकारी विज्ञापन के नाम पर राजनीतिक प्रचार का मामला। तुरंत आम आदमी पार्टी को ही पैसा दिल्ली के खजाने में जमा करना चाहिए और देश और दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। जोशीमठ संकट पर एक्शन में सरकार, प्रभावित परिवारों के साथ सीएम धामी ने गुजारी रात, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी, हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है।